हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आपका फिर से एक मेरे न्यू वीडियो स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानने वाले FM WhatsApp के सारे सीक्रेट्स सेटिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको इस सारे सीक्रेट सेटिंग के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप नॉर्मल WhatsApp से FM WhatsApp में आए हो तो आपको ये सारे फीचर्स जान लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये मेरा FM WhatsApp है। चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद से आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे एक फ्लाइट मोड का ऑप्शन दिख रहा है। आप जैसे ही फ्रेंड्स आप इसको एक्टिवेट कर दोगे तो आप ना तो किसी को मैसेज कर पाओगे, अगर आपको उधर से कोई मैसेज करेगा तो भी आपको नहीं दिखेगा। और दोस्तों एक बता दूँ कि अगर आपका डेटा ऑन है और आपने इसको ऑन रखा है तो वहाँ पे जो दोस्त है आपका, वहाँ पे आप उसको डबल टिक का ऑप्शन नहीं दिखेगा। तो चलिए आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे नाइट वाले मूड का। तो चलिए हम इसको दिखा देते हैं करके। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा आपका यहाँ पे नाइट मूड हो जाए। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक और फीचर्स दिख रहा होगा, यहाँ पे मेरा नाम राज लिख के आ रहा है। तो इस फीचर्स के बारे में दोस्तों हम वीडियो के आगे बात करेंगे। तो चलिए हम अपना ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली 3 डॉट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे जो एडवांस सेटिंग रहता है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए वो आपका इसमें आता है, नॉर्मल सेटिंग नहीं होता। तो आपको यहाँ से सीधा FM मोड्स खोल लेना है। यहाँ पे खोलने के बाद हम एक एक सेटिंग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मेरा सेटिंग है दोस्तों प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का, तो चलिए दोस्तों हम प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इसमें जो कमाल के फीचर्स हैं, तो सबसे पहले कमाल का फीचर्स है हाई व्यू स्टेटस। दोस्तों अगर आप इसको ऑन किए रहोगे तो आपका, अगर आप किसी का स्टेटस देख लेते हो तो उसको पता नहीं लगेगा कि आपने स्टेटस देखा है। और दोस्तों मैं यहाँ पर ये बता दूँ, एंटी डिलीट स्टेटस, अगर आप इसको ऑन रखोगे तो क्या होगा कि जो अगर कोई आपका दोस्त स्टेटस डिलीट कर देता है तो आपके में से वो 24 आवर्स बाद ही डिलीट होगा। तो चलिए एक और आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिल जाता है एंटी डिलीट मैसेज का। जैसे कि दोस्तों अगर आपके में से कोई आपका दोस्त है अगर डिलीट एवरीवन कर देता है उधर से तो आपका मैसेज यहाँ से डिलीट नहीं होगा। और दोस्तों जो यहाँ पे एक और फीचर्स है वो है शो ब्लू टिक्स आफ्टर रिप्लाई। जैसे कि अगर आप इसको यहाँ से अनेबल कर देते हो तो जैसे आप अगर किसी दोस्त का मैसेज देख लिए, मैसेज देखने के बाद से आप जब तक उसको रिप्लाई नहीं करोगे तब तक उसको ब्लू टिक नहीं दिखेगा। चलिए नीचे हम बात कर लेते हैं फिंगरप्रिंट्स की, तो आप यहाँ पर फिंगरप्रिंट्स भी लगा सकते हो। तो चलिए इसमें बस इतना ही था फीचर्स। चलिए अब हम चलते हैं अपने FM थीम्स के बारे में। तो दोस्तों आप इसमें यहाँ पे कोई ज़्यादा सेटिंग्स नहीं है, आप यहाँ पे यो थीम्स में जाके, आप बहुत सारा इसमें थीम्स है, आप यहाँ से जाके अपना अप्लाई कर सकते हो। आपको जैसा थीम चाहिए वैसा आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करके लगा सकते हो। दोस्तों इसमें कोई सेटिंग नहीं। दोस्तों चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने यूनिवर्सल सेटिंग की, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद से जो मेरा यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे 5 सेटिंग मिल जाएगा। सबसे पहले मेरा जो कलर सेटिंग है हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के से बता दें कि दोस्तों इसमें एक ही सेटिंग है जो सबसे अच्छी है, वो बैकग्राउंड की। जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो आप यहाँ पे फ़ोटो पे क्लिक करके अपना फ़ोटो सेट कर सकते हो अपने होम स्क्रीन पे। उसके बाद से इसमें आ जाता है जो दूसरा हम लोग का है, वो है दोस्तों अपना स्टाइल का ऑप्शन। तो स्टाइल के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद से आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पर बहुत सारा इमोजीज, अगर आप चाहो तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ग्रीन वाले बटन पर क्लिक करके आपको बहुत सारा इमोजीज मिल जाएगा। तो इसमें जो अगला इसमें सेटिंग है वो फॉन्ट सेटिंग है। दोस्तों आप अपने चाहो तो व्हाट्सअप का जो फॉन्ट स्टाइल है, यहाँ पे बहुत सारे आपको फॉन्ट मिल जाएंगे, आप जाके यहाँ से अपना फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो। जो तीसरा फीचर है दोस्तों इसमें लॉन्चर आइकन्स का, जैसे कि दोस्तों देख सकते हो कि अगर आप जैसे आप इसको अप्लाई करोगे तो देख सकते हो कि आपका ऐसा कुछ चेंज हो जाएगा। चलिए अब हम बैक चलते हैं, इसमें इतना ही था। उसके बाद हम चलते हैं अपने सेटिंग वाले ऑप्शन में। आपको सिंपली यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक कर देना है। इसमें दोस्तों एक यहाँ पे इंक्रीज फॉरवर्ड लिमिट का ऑप्शन मिलता है, आप अगर इसको अनेबल कर दोगे तो आप 250 लोगों को मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हो। इसमें एक और ऑप्शन मिल जाता है आपको अनेबल ऑलवेज ऑनलाइन, जैसे कि आप अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो आपका जो व्हाट्सएप वो हमेशा ऑनलाइन दिखाएगा। नीचे आपको मिल जाता है कि आप एक टाइम पर, अगर आप इसको ऑन कर देते हो तो आप एक टाइम पर 10 फाइल्स एक टाइम पे सेंड कर सकते हो। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपना होम स्क्रीन की सेटिंग की। तो सबसे पहले हम होम स्क्रीन खोल लेंगे। होम स्क्रीन खोलने के बाद से आपको यहाँ पे हीडर का ऑप्शन मिल जाएगा, हम इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद से दोस्तों इसमें जो मेरा पहला ऑप्शन है होम UI स्टाइल है। तो चलिए हम बता देते हैं, अगर दोस्तों आपको अगर इसको चेंज करना है तो ये इसी से चेंज होगा। तो चलिए हम इस पर क्लिक करके दिखाते हैं। दोस्तों आप इसमें iOS स्टाइल रखना चाहते हैं तो आप देख सकते हो कि आपका ये iOS स्टाइल हो गया। अगर आप दोस्तों यहाँ पे अगर बबल स्टाइल रखना चाहते हो तो आप देख सकते हो ये आपका बबल स्टाइल हो गया है।
तो चलिए हम अपना नॉर्मल ही रहने देते हैं। उसके बाद से दोस्तों आ जाता है सेकंड वाला में आपका यहाँ पे अनेबल इंस्टाग्राम लाइक स्टोरी। जब आप इसको अनेबल करोगे तो आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम की तरह स्टोरी दिखाई देगा। उसके बाद से आप यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे फेसबुक की तरह चाहिए तो आप देख सकते हो आपका ये साइड में फेसबुक की तरह हो गया। अगर आपको यहाँ पे आरसी कॉन्सेप्ट की तरह चाहिए तो आपका यहाँ पे आरसी कॉन्सेप्ट की तरह हो जाएगा। अगर आपको स्टॉक चाहिए तो आपका स्टॉक की तरह हो गया होगा। तो आपको जैसा भी चाहिएगा आपको इंस्टाग्राम की तरह आप कर लीजिएगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं जो मैं सेट नेम का बता रहा था। जैसे कि आप यहाँ पे अगर डिसेबल करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपका FM WhatsApp लिखा हुआ यहाँ पे आ रहा है। अगर दोस्तों आप इसको अनेबल कर दोगे तो आपका यहाँ पे नेम आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा नेम आ रहा है। तो जैसे कि दोस्तों अगर ये वाली जो सेटिंग है अगर आप इसको ऑन करोगे तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बीजी का ऑप्शन है, मेरा यहाँ से बीजी का ऑप्शन हट जाएगा। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे जो बीजी का ऑप्शन था वो हट गया इस वाले सेटिंग से। दोस्तों जो मेरा नेक्स्ट सेटिंग है यहाँ पे बस इतना ही सेटिंग है। दोस्तों चलिए अब हम बैक चलते हैं। बैक जाने के बाद से दोस्तों अब आपको आना है यहाँ पे रूम में। दोस्तों चलिए अब हम आपको बताते हैं यहाँ पे एक सेटिंग है, यहाँ पे नीचे जो सेटिंग है यहाँ पे दोस्तों डिसेबल। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि दोस्तों जैसे कि हम लोग का दिखाई देता है ऑनलाइन, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे कि यहाँ पे ऑनलाइन दिखा रहा है किसी का। अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो ये यहाँ पे ऑनलाइन दिखाना बंद हो जाएगा। चलिए अब हम बैक चलते हैं। बैक चलने के बाद से अब हम स्टेटस पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक बहुत ही कमाल की सेटिंग है दोस्तों। यहाँ पे ये सब लोग दोस्तों यहाँ पे 5-30 सेकंड का लगाते हैं अपना स्टेटस। आप अगर इसको ऑन करोगे तो आप 5 मिनट का स्टेटस लगा सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं बता दूँ ये 5 मिनट का स्टेटस उन्हीं को देखेगा जिनका GB व्हाट्सअप, FM व्हाट्सअप, नॉर्मल व्हाट्सअप में नहीं दिखेगा। तो चलिए अब हम बैक चलते हैं। बैक चलने के बाद अब हम बात कर लेते हैं। बैक आने के बाद से दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेटिंग की, कन्वर्सेशन स्क्रीन। सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद से सबसे पहला सेटिंग एक्शन बार का मिल जाएगा, हम इस पर सिंपली क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद से देख सकते हो कि आपको यहाँ पे हाइड कॉन्सेप्ट है। जैसे आप इसको ऑन करोगे यहाँ से आपका प्रोफाइल हाइड हो सकता है। जैसे कि आप स्क्रीन शॉट में भी देख सकते हो कि यहाँ पे हाइड हो चुका है। ऐसे ही आप यहाँ पे हाइड कॉन्टैक्ट नेम पे क्लिक करके आप यहाँ से अपना कॉन्टैक्ट भी हाइड कर सकते हो। हाइड कॉड ब्लस बटन भी कर सकते हो। जैसे ही आप ये कॉन्टैक्ट स्टेटस पे क्लिक करोगे आपका ये भी हाइड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसमें इतना ही कुछ है, और कुछ तो इसमें है नहीं। तो चलिए हम बैक चलते हैं। बैक जाने के बाद से अब ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बबल एंड ट्रिक्स भी आपको जानना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो कि आपका जो टिक स्टाइल है आपको यहाँ पर बहुत सारा मिल जाएगा। आपको यहाँ पर टिक स्टाइल चेंज कर सकते हो। ऐसे ही आपको यहाँ पे बबल स्टाइल मिल जाएगा। आप यहाँ पे बबल स्टाइल भी यहाँ पे बहुत सारा चेंज कर सकते हो। और यहाँ से आप चाहो तो अपना ये जो छोटा बड़ा आपका जो चैट है आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हो। चलिए अब हम चलते हैं बैक। और बैक जाने के बाद से अब हम पिक्स पे क्लिक कर देते हैं। जो मेरा पिक्स पे है तो चलिए अब हम कुछ स्क्रीन शॉट करके दिखा देते हैं। जो मेरा पहला वाला सेटिंग है आपको ऐसे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपका यहाँ पे पिक्स होगा। और जैसे ही आप चैट दूसरा शो करोगे तो आप देख सकते हो कि आपका पिक यहाँ पे होगा। तो इसमें दोस्तों इतना ही था। अब चलते हैं हम बैक। और अब यहाँ पे हम नीचे बात कर लेते हैं मूड्स की। और इसमें उतना कोई खास नहीं है तो चलिए हम बता देते हैं। जैसे ही आप ये कस्टम वॉलपेपर को ऑन करोगे तो आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हो कि आपका जो ये आपका जो फ्रेंड्स का प्रोफाइल पिक रहेगा वो आपका होम स्क्रीन पे आपका सेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। दोस्तों यही थे FM व्हाट्सअप के इतने सारे फीचर्स। तो चलिए दोस्तों बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।